अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चार तरीके के चिकन विंग्स। तो उन चारों चिकन विंग्स के लिए हमें कोटिंग तैयार करनी होगी, जो कि हम शुरू में ही बना लेंगे। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो अब भैया बता रहे हैं। हमें सॉल्ट चाहिए, वाइट पेपर चाहिए, 1 टेबल स्पून गार्लिक चाहिए हमें, 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेना है आपको, 1 अंडा लेना है, उसको अच्छे तरीके से उसको फेंट लेना है। ये हमने 12 चिकन विंग्स ले ली हैं। सबसे पहले हम लोग चिकन विंग्स में गार्लिक डालेंगे 1 टेबल स्पून, हमने उसको फाइन चॉप कर लिया था गार्लिक को। अब 1 टीस्पून हम लोग वाइट पेपर डालेंगे, सॉल्ट हसबे ज़ाय करेंगे हम लोग, कॉर्नफ्लावर लेना है और 1 अंडा लिया हमने, अच्छे तरीके से उसको फेंट लिया और इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये हमने ऑयल ले लिए, अब हम चिकन विंग्स को फ्राई कर लेंगे। और ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इस चिकन विंग्स को इसमें डाल देंगे। इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका रंग गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और इसको फ्राई एकदम आपको मीडियम आंच पे करना है। देखिए इस तरह से हमने बना लिए, इस तरह से रंग आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चिकन स्पाइसी विंग बना रहे हैं, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप भैया बता रहे हैं। हमने 1 टीस्पून वाइट पेपर लिए, सॉल्ट हसबे ज़ाय कर लिए, 1 टेबल स्पून गार्लिक लिए, 5 गोल लाल मिर्च लेनी है आपको, 3 विंग्स के पीसेस लेने हैं, 1/3 कप हॉट सॉस लेने हैं, 1/4 कप टोमेटो केचप लेना है, 1 टेबल स्पून शुगर लेनी है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस लेना है। हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया इसके अंदर कढ़ाई के अंदर, सोया सॉस ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, पानी ऐड कर देंगे और इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे। फर्स्ट में चिकन विंग्स ऐड कर देंगे, इसको अब हम लोग थोड़ा सा थिक करेंगे सॉस को। ये हम लोग की स्पाइसी विंग तैयार हो गई हैं। तो अब हम लोग चिकन हनी विंग्स बनाने वाले हैं, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो अब भैया बता रहे हैं। हमने 2 टेबलस्पून हनी लिया है, हमने 3 विंग्स ले लिए, शुगर में 1 टेबलस्पून ले लिए, 1/2 कप सोया सॉस लेना है और 1/3 कप ब्राउन शुगर लेना है। सबसे पहले हम लोग सोया सॉस डाल देंगे इसके अंदर, उसके बाद नॉर्मल शुगर डालेंगे, ब्राउन शुगर डाल देंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। इसके बाद हनी ऐड कर देंगे, इस तरह से मिक्स करते रहना है, शुगर नीचे बैठ जाती है, इससे हम इसको इस तरह से मिक्स करते रहते हैं। देखिए कितना अच्छा गिलेस आ रहा है हमारा, ये गिलेस चाहिए हमें। अब हम लोग चिकन विंग्स ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारे चिकन हनी विंग तैयार हो गए, इस तरह से देखिए रंग आ गया है। अब हम लोग चिकन चीज विंग बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप भैया बता रहे हैं। सॉल्ट चाहिए होगा, 20 ग्राम मोजरेला चीज लेनी है, 3 विंग्स चाहिए आपको, 1 टीस्पून वाइट पेपर चाहिए हमें, 1/2 कप हमें मिल्क चाहिए, मिल्क डालेंगे, 1 टीस्पून वाइट पेपर डालेंगे हम लोग, सॉल्ट हसबे ज़ाय ले सकते हैं आप, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 20 ग्राम हम लोग चीज़ डाल देंगे, हमारी चीज़ पिघल गई है, अब हम लोग इसमें विंग्स डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। ये हो गई हम लोग की चिकन चीज़ विंग्स तैयार, देखिए सर ऐसे रंग आ जाएगा आप लोग का। अब हम लोग चिकन बारबेक्यू विंग्स बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप भैया बता रहे हैं। 1 टेबलस्पून टेरियाकी सॉस डालना होगा, विंग्स चाहिए होंगे हमें, और हसबे ज़ाय चाहिए होगा, 1 टीस्पून वाइट पेपर चाहिए होगी, 1/3 कप सोया सॉस चाहिए होगा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हम लोग सोया सॉस डालेंगे इसमें, 1 टेबलस्पून टेरियाकी सॉस डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 टीस्पून वाइट पेपर डालेंगे, हम दोनों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, मिक्स कर लेंगे इसको।
ओके, चिकन बारबेक्यू विंग्स रेडी हो गए। अब हम इसको स्मोक देंगे। हमने एक एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा ले लिया और उसके ऊपर गरम कोयला रख दिया, और हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। आप बटर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको 102 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। हमारे जो विंग्स हैं इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अब हम लोग सॉस बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ये हमने 1 टीस्पून गार्लिक ले लिया जिसको हमने चॉप कर लिया है। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हो गया भी हम लोग की मजेदार रेसिपी तैयार। तो हमारी इस मजेदार रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज लाइक कीजिएगा। हमारे इंस्टा के पेज और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, दोनों को जाके फॉलो कर लें। लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस के आप लोग तक अपडेट आ सकें। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।